No doubt in your mind that the chicken dinner is yours for the time. Whoa, what was that? Strategic tips that will get you and your squad to the final circle. So you're playing squads and you've got a group of total badasses. So yo, what's up, it's me, this Sunny Mish. Welcome back to another... क्या ही बोलूँ गाइस, कुछ भी नहीं बोलना है गाइस। कोई भी ये मतलब फिक्स करने की या फिर अपग्रेड्स करने की कोई भी ऐसी वीडियो नहीं गाइस। ये वीडियो है किसकी, उसका सबसे ज़्यादा वैलिड रीज़न है ये, इस चीज़ की ये वीडियो है गाइस आज। और मैं जितने भी अकाउंट्स खेलता हूँ गाइस, उन सारे अकाउंट्स में से गाइस आज मैं इसे पिकअप करने वाला हूँ। तो पहले गाइस मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था कि मैं जब ये पिकअप करूँगा तो उसकी एक वीडियो आ जाएगी। तो आज का गाइस एंड हो गया है क्लैन गेम्स, और आज ही गाइस हम अपने हर अकाउंट से इसे पिकअप करने वाले हैं, इसके रिवॉर्ड्स को। तो मैं लगभग इस टाइम शायद 4 अकाउंट्स खेलता हूँ और 2 अकाउंट से वीडियो बनाता हूँ। लेकिन गाइस अब जो 2 अकाउंट और हैं उनसे भी मैं वीडियोज बनाने लगूँगा, ठीक है गाइस। तो फटाफट से चलते हैं। पहले तो ये जो मेन अकाउंट है हमारा टाउन हॉल 10 वाला, ये वाला टाउन हॉल 10 है अपना, इससे वीडियो इससे मतलब इसे इससे हम रिवॉर्ड्स अपग्रेड कर लेते हैं। तो आते हैं और गाइस चेकिंग रिजल्ट पे हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस क्या कलेक्ट करना चाहिए मुझे यहाँ पे, तो सबसे पहले लाइन में मुझे सबसे ज़्यादा वर्थेड चीज़ लग रही है जेम्स। रिसर्च पोशन तमीन नहीं है मेरे लिए। सेकंड लाइन में हाँ, बहुत बड़ी बात है कि मुझे मतलब बहुत हार्ड है ऐसा चूज़ करना कि क्या मैं एलेक्जर ले लूँ या फिर गोल्ड ले लूँ। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एलेक्जियर और गोल्ड बहुत ही ज़्यादा आराम से फार्म हो जाते हैं, तो ऐसी कोई मतलब ज़रूरी बात तो है नहीं। तो यहाँ से काम करते हैं गाइस, गोल्ड को मैं लेना यहाँ पे प्रेफर करूँगा क्योंकि गोल्ड से ज़्यादा चीज़ें अपग्रेड कर सकते हो, एलेक्जियर से तो काफ़ी मतलब कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है एलेक्जियर से, तो गोल्ड लेना प्रेफर करूँगा। अगली लाइन में गाइस मैं वॉलरिंग्स ले सकता हूँ, बट उसकी जगह पे मैं 50 जेम्स ले सकता हूँ वॉलरिंग्स की जगह। तो वॉलरिंग्स में क्या 5 फॉल्स अपग्रेड कर सकता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैंने 50 जेम्स ले लिए तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं वर्थ इट होंगे। तो यहाँ पे 50 जेम्स, और यहाँ पे सीधी सी बात है मैं ये 21 लाख का ये गोल्ड लूँगा, और यहाँ पे तो गाइस जाहिर सी बात है ये। तो ये हो गया गाइस हमारा इस उसका। तो चलिए ऐसे कलेक्ट करते हैं अपने मेन अकाउंट के रिवॉर्ड्स। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पे 4000 पॉइंट्स नहीं किए हैं तो मुझे एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देखने नहीं मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, क्योंकि गाइस मैं पाँच पाँच अकाउंट से अगर मैं इस टाइम ये खेल रहा हूँ ना, तो मतलब बहुत बड़ी बात है गाइस। ठीक है तो गाइस चलिए जल्दी से अकाउंट स्विच करते हैं और फिर से आते हैं। ओके गाइस, सो वेलकम बैक, आ गए हैं अपने निमेश गेमिंग मतलब टाउन हॉल 8 वाले अकाउंट पे, जिसको हम फिक्स कर रहे हैं इस टाइम पे। तो पहले जंप बॉक्स लगा देते हैं यहाँ पे 1000 का, और यहाँ पे भी गाइस अच्छा खासा मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले लाइन में मैं चाहूँगा यहाँ पर पावर पोशन, क्योंकि तब टाउन हॉल लाइन में मूव करेंगे तो अच्छा वैल्यू मिलेगा हमें। यहाँ पे जेम्स भी ले सकता हूँ बट उतना कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे भी आराम से गोल्ड्स, यहाँ पे जेम्स, यहाँ पे ट्रेनिंग पोशन, और यहाँ पे 11000 एलेक्सियर्स। सीधी बात गाइस, कोई भी अपनी दिक्कत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम किया मैंने यहाँ पे, और कलेक्ट करते हैं यहाँ पे रिवॉर्ड्स। ओके, सो ये रहा इस पूरे इसके लिए, तो कट करते हैं इसे। ओके गाइस, इस उसका भी हो गया है गाइस। तो यहाँ पे कोई भी अपग्रेडिंग वीडियो नहीं है, तो गाइस मैं कुछ भी यहाँ पे अपग्रेड नहीं करूँगा। तो गाइस चलिए अकाउंट स्विच करते हैं और मिलते हैं। ओके गाइस, सो वेलकम बैक, ये मेरा थर्ड अकाउंट है, ये भी टाउन हॉल 8 है गाइस, और एक काफ़ी हद तक मैक्स है। ठीक है, थोड़े बहुत काम करने हैं, ट्रूफ पे काम करने हैं, तो इसकी भी वीडियो बात ही रहेंगी। तो इसका भी मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा काम मैं करता नहीं हूँ एक्चुअली। इसमें पास 2 ही बिल्डर्स हैं, तो अभी जितना हो सके मैं गाइस जेम्स के लिए प्रेफर करूँगा, ताकि मैं अपना थर्ड बिल्डर 500 जेम्स, कितने जेम्स पे खुलता है थर्ड बिल्डर, आई थिंक 500 जेम्स पे खुलता है ना, पता नहीं कितने पे खुलता है। ओके 500 पे खुलता है, तो इस पर 500 जेम्स करेंगे, थर्ड बिल्डर ओपन करेंगे, उसके बाद गाइस बात करते हैं इस अकाउंट में। पहले करेंगे तो जरूर इस अकाउंट से बात, मतलब इस अकाउंट पे वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि इसको मैं लेने जा रहा हूँ, ले जाने वाला हूँ टाउन हॉल 9 पे, और जो अनिमेश गेमिंग वाला अकाउंट है वो 8 पे ही रहेगा। जब तक वो 9 पे पुश होगा तब तक ये 10 पे पुश हो जाएगा। तो ऐसे गाइस हम अपना अकाउंट मूव करते रहेंगे। चलते हैं गाइस इस अकाउंट पे, और यहाँ पे भी गाइस सेम, यहाँ पे तो मैं जेम्स लूँगा,
यहाँ पे तो मैं वो सब ले नहीं सकता, तो यहाँ पे 50 जेम्स, यहाँ पे ये, और ओ भाई ये क्या हो गया, एक मिनट, मैं डाक नहीं सकता क्या, ऐसा क्या हो गया भैया। ओके तो एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे कुछ अपग्रेड करते हो गाइस, ये देख रहे हो। ओके यहाँ पे तो कुछ नहीं, लेकिन आप मेरा सीसी देख रहे हो कितना भयंकर तरीके से भरा हुआ है। एक मिनट, रिसर्च लैब में रेज दोनों ही लगाने, तो पहले रेज लगा देते हैं, ठीक है। लैब में रेज लग गया, अब बचा डार्क, तो डार्क को तो पहले मैं यहाँ से ये कर लिया हमने, उसके बाद क्या करेंगे ये, ओके तो अपग्रेड हुआ ही नहीं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉल्स, तो मैं अपने गोल्ड को यहाँ पे गाइस वेस्ट कर रहा हूँ, मजा आ रही है मुझे, मतलब क्या करूँगा इस, कुछ है ही नहीं इसमें, अब सिर्फ वॉल्स बची हैं। अब एक बिल्डर से सजेशन लेते हैं, क्या है महंगा, हिडन टेस्ला, जाओ हिडन टेस्ला भाड़ में जाओ तुम, तो हिडन टेस्ला को भी भाड़ में भेज दिया गाइस हमने, और 18 घंटे बाद के जीफ रह जाएगा, तो मैं अपने एलेक्जियर से यहाँ पे लगा दूंगा जो भी मुझे लगाना होगा गाइस। तो चलिए स्पेस यहाँ पे खाली हो गया होगा, तो यहाँ पे ये, एंड देन कलेक्ट रिवॉर्ड, गोल्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा गोल्ड है मेरे पास। ओके गाइस इस अकाउंट से भी हो गया है, तो अब मैं गाइस आप लोग को दिखाने वाला हूँ एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो मेरे पास इस टाइम पड़ा हुआ है, तो वो दिखाता हूँ। गाइस वेलकम बैक, देख सकते हो क्या है गाइस, टाउन हॉल 11 है, और ये अकाउंट मैंने अपने फ्रेंड से बोरो किया है, ताकि और तो एक्चुअली वो खेलता नहीं था, तो उसने इसे रश कर दिया था, तो मैंने कहा ठीक है भाई मुझे दे दे, मैं चला लूँगा, मेरा यूज़ भी आ जाएगा। तो अब इस अकाउंट को गाइस मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, और ये अकाउंट देख सकते हो कितना ज़्यादा तरीके से टाउन हॉल 11 के लिए रश पड़ा हुआ है ये, तो मतलब अब इसे मैक्स करना है, तो हवा एकदम टाइट करनी है गाइस इसे मैक्स करने के लिए। वॉल देख सकते हो गाइस आप, लेवल 6 की वॉल्स है टाउन हॉल 11 पे, लिटरली आथू हैं ये, तो कोई बात नहीं गाइस, आथू हैं जो भी हैं, इन्हें हमें करना है काम इस पे। तो फर्स्ट ऑफ़ क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये सही रहेगा, यहाँ पे ये, वाह यहाँ पे भी सेम चीज़, शॉवर और ऑब्स्टिकल्स लेके कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये कर लेते हैं, बिल्डर तो फ्री नहीं है, तो ये हाँ आई थिंक ये एकदम सही है मेरे लिए, तो कलेक्ट रिवॉर्ड ऑलमोस्ट गाइस काफ़ी हद तक हमने सब में सेम ही काम किया है। आई एम सॉरी गाइस बिल्डर फ्री है, दो बिल्डर फ्री हैं, और अभी भी गाइस मैंने 20 लाख का रिवॉर्ड यहाँ पे निकाला है, तो ये कर लेते हैं, और अपनी क्वीन अभी नहीं जाएगी। ओ ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ गाइस, कुछ नहीं हुआ, 40 लाख है ना, तो यहाँ पे फिल्टर का सजेशन लेना चाहूँगा मैं गोल्ड से। ओके सबसे ऊपर एयर डिफेंस है, तो एयर डिफेंस ही जाएंगे यहाँ पे, और गाइस मैं बिल्डर अपना बचा करके, क्योंकि गाइस देख सकते हो डार्क 64 पे पहुँच चुका है, तो मतलब नेक्स्ट कोई नहीं अपग्रेड होगी, और नेक्स्ट कोई ना अपग्रेड होगी, इसका मतलब गाइस एक दिन में मेरा एक और यहाँ पे बिल्डर फ्री होने वाला है, और एक और कहाँ लगा हुआ है मेरा, कहाँ अच्छा लगा हुआ इधर 18 घंटे में फ्री हो जाएगा। तो गाइस मतलब अब आप लोग जान ही गए, मैंने आपको लीक्स दे दी हैं अपनी वीडियो की, मतलब नेक्स्ट वीडियो गाइस आने वाली है टनल 11 पे, और ये सीरीज चलेगी रश देन फिक्स, क्यों ये सीरीज चलेगी गाइस, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है उसने इसे 9th इसने मैक्स नहीं किया, कह नहीं सकते मैक्स वॉल्स बोल के कह नहीं सकते, 9th इसने मैक्स किया, और 9th मैक्स करके इसने 10 में पुश किया, और 10 में कोई काम नहीं किया, और सीधा 11 में पुश कर दिया, ठीक है। तो वही बात है कि पहले रश किया फिर फिक्स करेंगे, तो रश देन फिक्स की सीरीज चलेगी गाइस, तो मजा आएगा इस सीरीज में भी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और गाइस बहुत मेन और बहुत बड़ी बात, हमारे चैनल ने हिट कर लिए हैं दिसंबर ख़त्म होने से पहले 125 सब्सक्राइबर्स, अमेजिंग,
तो जो मैंने कहा था वो हो गया है गाइस, हो गया है वो, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो जो मैंने कहा था गाइस, चप्पल फेंको, जूता फेंको, अपना मुंह फेंको, कुछ भी फेंको गाइस, मुझसे मतलब नहीं है, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तो वो काम हो गया है। और अभी भी गाइस वो चीज़ें सारी, वो टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगे। तो फटाफट से गाइस अपना मुंह मारो उस सब्सक्राइब के बटन पे जो नया आया है, फिर कुछ भी मारो, मुझसे मतलब नहीं है, सब्सक्राइब करो। आज है डेट 28 और अभी भी गाइस हमारे पास 3 दिन बचे हुए हैं, तो 3 दिन में गाइस हम 125 को 130 कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते गाइस, आप लोग का साथ होगा तो 125 को 130 कर लेंगे। तो फटाफट से गाइस करवा दो, आप लोग के ऊपर है। और हाँ, एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट गाइस, कि 150 सब्सक्राइबर्स पे हम क्या करने वाले, पबजी खेलना छोड़ दिया है ना, छोड़ के दे, पबजी तो बैन हो गया, तो अब तो कोई ट्रांजेक्शन उसमें हम कर नहीं सकते। 150 सब्सक्राइबर्स पे गाइस, पता नहीं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, 150 सब्सक्राइबर्स पे गाइस होने वाला है गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड का गिव अवे। तो उस गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे जीतना है, तो उन सब का वीडियो, मतलब उन सब के बारे में एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा कि कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है। उसके बाद गाइस एक वीडियो आएगी जिसमें मैं गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस कर दूँगा, ठीक है गाइस। एक ही इंसान को मिलेगा, और कितने का मिलेगा पता बता देता हूँ गाइस, 110 रुपये के आसपास। पागल हो, 110 रुपये के आसपास देखेंगे गाइस। अब जिस तरीके से हमारे चैनल पर रिस्पांस, उस वीडियो पर रिस्पांस आएगा, उस हिसाब से देखेंगे गाइस कि कितनी वीडियो, मतलब कितना का गिफ्ट कार्ड हमें गिफ्ट करना है, ठीक है गाइस। तो बता दिया गाइस हमने आपको, सारी अनाउंसमेंट दे दी। नेक्स्ट वीडियो 11 पे आएगी, 130 सब्सक्राइबर्स क्या हम कर सकते हैं ये ईयर ख़त्म होने से पहले। और थर्ड जो है वो बहुत बड़ा है, गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड का गिव अवे 150 पे। तो सब कुछ फटाफट से करवा दो गाइस, बाकी तब तक के लिए एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय बाय।